हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद, जिसकी आज मैं आपको जबरदस्त ट्रिक बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं संघ राज्य क्षेत्र की। ये भाग वन में है, अनुच्छेद एक से लेकर चार में होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद एक, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। भारतीय संघ में तीन प्रकार के राज्य हैं, राज्यों का राज्य क्षेत्र, केंद्र शासित क्षेत्र, अर्जित किए गए भूभाग। अनुच्छेद दो में होता है नए राज्यों का परिवेश या स्थापना। यदि भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल करना हो तो यह कार्य संसद करती है। अगर फ्रेंड्स आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो आपको अनुच्छेद दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरे YouTube पर आपको इससे अच्छी वीडियो कहीं नहीं मिलेगी फ्रेंड्स, तो बने रहिए। देखिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अनुच्छेद तीन की। अनुच्छेद तीन में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के नाम एवं सीमा में परिवर्तन। किसी भी राज्य के नाम और सीमा में परिवर्तन संसद करती है साधारण बहुमत से। भाषा के आधार पर राज्यों की मांग। देखिए फ्रेंड्स, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 में हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? ये बना 1953 में। इसके अध्यक्ष हैं फजल अली और सदस्य हैं हरदेनाथ कुंजरू और के एम पणिक्कर। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार भारतीय राज्यों की चार श्रेणियां ए बी सी डी को तोड़ दिया गया और तोड़कर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण हुआ। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना 5 अगस्त 2019 को। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना 5 अगस्त 2019 को। तेलंगाना राज्य बना 2 जून 2014 को। आगे देखिए फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ राज्य बना 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड राज्य बना 9 नवंबर 2000 को और झारखंड राज्य बना 15 नवंबर 2000 को। अब देखिए फ्रेंड्स, गोवा, दमन, दीव और दादर नगर हवेली पुर्तगालियों का क्षेत्राधिकरण 1961 में तीनों क्षेत्र भारत में शामिल हुए। गोवा पूर्ण राज्य बना 1987 में। पांडुचेरी, पुंडुचेरी ये दोनों एक ही है। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, कर शिशी क्षेत्राधिकार भारत में शामिल हुआ 1953 नवंबर में। पांडुचेरी पूर्ण राज्य बना 1962 में। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे है सिक्किम। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे फ्रेंड्स, आपको अनुच्छेद उंगलियों पर याद हो जाएंगे फ्रेंड्स, बिल्कुल इजी है। तो देखिए फ्रेंड्स, तो हम बात कर रहे थे सिक्किम की। सिक्किम चोंग्याल वंश का क्षेत्राधिकरण सह राज्य बना 1974। उस समय यह पूरी तरह से शामिल नहीं हुआ, ये पूर्ण राज्य बना 1975 में। दमन, दीव और दादर नगर हवेली को एक कर दिया गया 26 जनवरी 2020 को। दीव और दादर की राजधानी है दमन। अब बात करते हैं नागरिकता की। नागरिकता भाग दो में आता है और अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत आता है। भारत में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का अर्थ होता है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ भारत का ही नागरिक होगा, किसी राज्य का नहीं। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, केंद्र और राज्य। वर्तमान समय में प्रत्येक देश में 2 प्रकार की नागरिकता होती है, उस देश के मूल नागरिक, विदेशी नागरिक।
हम इस चैनल पर सभी अनुच्छेदों को करने वाले हैं फ्रेंड्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आगे इस चैनल पर आपको करंट अफेयर देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, तो जल्दी ही चैनल के साथ जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, आगे विदेशी नागरिक दो प्रकार के होते हैं, विदेशी मित्र और विदेशी शत्रु। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकार, वो देखिए फ्रेंड्स कौन कौन से हैं। भारत का सर्वोच्च पद प्राप्त करने का, संवैधानिक पद प्राप्त करने का, चुनाव लड़ने का और मतदान करने का। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 के अनुसार प्राप्त सुविधाएं, वो कौन सी हैं फ्रेंड्स देखिए। नागरिकता के समर्थन में कानून बनाने का अधिकार संसद को है। आगे देखिए फ्रेंड्स, संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 पारित किया। इस अधिनियम के अनुसार भारत की नागरिकता पांच प्रकार से ली जा सकती है। नंबर 1, जन्म द्वारा। नंबर 2, वंश द्वारा। नंबर 3, पंजीकरण द्वारा। नंबर 4, देसी कारण। नंबर 5, भूमि के अर्जन द्वारा। नागरिकता का अंत, वो देखिए फ्रेंड्स, नागरिकता से वंचित करने की शक्ति संसद के पास है। इसके निम्न आधार हैं: युद्ध काल में शत्रु देश की सहायता करना, संविधान के प्रति अविश्वास से स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ देना, किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेना बिना सूचना दिए, लगातार 7 वर्षों से भारत से बाहर रहना, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 5, संविधान लागू होने के समय व्यक्ति का जन्म हुआ हो या उसके माता पिता का जन्म हुआ हो या संविधान लागू होने के 5 वर्ष से अर्थात 1945 से भारत में रह रहा हो तो भारत का नागरिक माना जाएगा। अनुच्छेद 6 में क्या होता है देखिए फ्रेंड्स, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति के नागरिकता संबंधी प्रावधान किए जाते हैं अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वाले और कुछ समय बाद पाकिस्तान से भारत लौटने वाले व्यक्ति के लिए नागरिकता संबंधी प्रावधान होते हैं। अनुच्छेद 8 में भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में नागरिकता संबंध प्रावधान, ये सब अनुच्छेद 8 में मिलता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 9 की। अनुच्छेद 9 में होता है स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ देने पर भारत का नागरिक नहीं रहना, एकल नागरिकता का प्रावधान। नंबर 10 में होता है, जो अनुच्छेद 10 है उसमें क्या होता है, नागरिकता के अधिकार का बना रहना। अनुच्छेद 11 में नागरिकता के संदर्भ में कानून बनाने की संसद की शक्ति। अगली वीडियो में हम फ्रेंड्स पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ये भाग 3 में आते हैं अनुच्छेद 12 से 35 में, तो ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे मिस मत करना। फंडामेंटल राइट्स पढ़ने के लिए फ्रेंड्स अभी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।